बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। बायोलॉजी पार्ट टू चैप्टर 16 से ये टॉपिक है जिसमें चंद पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट एंड शेप। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को और एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट फ्राहम करता है और उसे शेप देता है। किसी भी एनिमल को या हमें इस अर्थ के ऊपर सरवाइव करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ग्रेविटी चूंकि मुसलसल हमारी बॉडी को भी और एनिमल्स की बॉडी को भी मुसलसल नीचे की जानिब पुल करती है, तो हमें अपनी बॉडी का अपराइट पोस्चर मेंटेन करने के लिए, अपराइट पोजीशन मेंटेन करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और ये सपोर्ट स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो बॉडी की शेप है सारी या फेस की शेप है, इसे भी स्केलेटन कंट्रोल करता है। यहाँ पर जाइगोमेटिक बोन्स पाई जाती हैं जो कि हमारे फेस की शेप को मेंटेन करती हैं। तो स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, उसके बाद शेप को मेंटेन भी करता है। उसके बाद सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्शन। स्केलेटन हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो उसके ऊपर बोनी कवर पाया जाता है जिसे क्रेनियम कहते हैं। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द भी बॉनी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। अगर रिब केज की बात करें तो ये हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, उसके बाद लंग्स और भी बाकी ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो इसे हम मूवमेंट कहते हैं। हमारे स्केलेटन के साथ स्केलेटल मसल अटैच होते हैं जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारे स्केलेटन और बॉडी को मूवमेंट देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है जिसमें स्केप्यूला, सुप्रा स्केप्यूला, उसके बाद फोर आर्म्स की बोन को दिखाया गया है, जहाँ पर मसल का एक एंड जो कि इमोबाइल पोर्शन के साथ अटैच है जिसे ओरिजिन कहते हैं, और दूसरा मोबाइल है जिसे इंसर्शन कहते हैं। अब जैसे ही ये मसल कंट्रैक्ट करता है तो फ्लेक्शन की वजह से हमारी ये आर्म मूव करना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं कि स्केलेटन मूवमेंट के अंदर भी रोल प्ले करता है। उसके बाद मिनरल होम्योस्टेसिस के अंदर भी स्केलेटन का अहम रोल है। हमारी जो बोन्स होती हैं ये मुख्तलिफ मिनरल्स का रिजर्वायर है। इनके अंदर मिनरल डिपॉजिट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम, ये बोन के अंदर डिपॉजिट होते हैं। जैसे ही बॉडी को जरूरत पड़ती है ये मिनरल निकलते हैं और ब्लड के अंदर इनकी मिकदार मेंटेन हो जाती है। अगर हम बात करें बॉडी के अंदर लो कैल्शियम आता है तो थायराइड ग्लैंड कैल्सीटोनिन रिलीज करता है। ये हार्मोन क्या करता है, ये बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को निकालना शुरू कर देता है, यानी कैल्शियम बोन से निकलेगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा, और ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो कंसेंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद अगर कैल्शियम हाई हो गया है ब्लड के अंदर तो फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड ये पैराथॉर्मोन हार्मोन पैदा करेगा जो कि ब्लड से कैल्शियम को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद बोन के अंदर इसे डिपॉजिट करवा देगा। उसके बाद अगर ब्लड सेल की प्रोडक्शन की बात करें तो ब्लड सेल बोन मैरो या बोन के अंदर जो एपिथीलियल सेल्स हैं उनके अंदर बनते हैं। हमारे पास ये एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर के अंदर बोन मैरो है, यहाँ पर ब्लड सेल सिंथेसाइज होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था सम मेजर फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल।